दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फॉर्म में वापसी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने जड़ा ऐसा गगनचुंबी छक्का देख जहां उनकी पत्नी की आंखों में आ गए आंसू तो खुशी से झूम उठी मुंबई की मालकिन नीता अंबानी। तो आखिर क्या किया उन दोनों ने ऐसा है कि हर तरफ केवल इन्हीं की हो रही है चर्चा। लॉगी फर्ग्यूसन के परखच्चे उड़ाते हुए सूर्य के करिश्माई छक्कों पर नीता और देविक्षा ने उनके दिल छू लेने वाले रिएक्शन का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कोलकाता के दिए हुए 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे तब वो बेहद शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला था, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों का करियर तबाह करने की ठान ली। आपको बता दें विरोधी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन के परखच्चे उड़ाते हुए T20 के सरताज सूर्य ने लगातार दो गेंदों पर ऐसे दो गगनचुंबी छक्के जड़े जिन्हें देखकर जहां पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई। ये दो छक्के कोई आम नहीं थे बल्कि गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद तो तारा मंडल में चुमंतर सी हो गई थी। ये उनकी वापसी का शंखनाद था तो वहीं ये देखकर सब तो वहीं उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था, यहां तक कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू तक आ गए थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छुपा पाई और जमकर उन्होंने सूर्य के लिए तालियां बजाई। तो वहीं मुंबई की मालकिन नीता अंबानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, हमेशा की तरह वो इस खिलाड़ी को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने खड़े होकर उनका जश्न मनाया और इस खिलाड़ी के सम्मान को और भी अधिक बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों इन दोनों के रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। तो वहीं चौतरफा केवल सूर्य कुमार यादव ही सुर्खियों में छाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है सूर्य IPL 2023 में शतक लगा पाएंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।